आप सभी को नमस्कार। मैं आज आप सभी को खास करके कक्षा 10 के लिए ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कि मैं रियल नंबर आज आप सभी को बताऊंगा कि रियल नंबर वास्तविक में है क्या, रियल नंबर का सेट में कौन कौन सी संख्या आती है, इन सारे संख्याओं को देखेंगे। प्लस में आज हम देखेंगे कि रियल नंबर कौन कौन सी संख्या को मिलाने से बनती है। ठीक, तो आइए आज हम लोग सबसे पहले रियल नंबर को समझने से पहले कुछ पिछली कक्षा की बात कर लें। जैसे आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं 9 में 8 में 6 में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन सारी संख्याओं के बारे में आज हम लोग कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं, समझते हैं। इसके बाद हम रियल नंबर पर आएंगे। रियल नंबर के आने के बाद मैं आप सभी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से दो वास्तविक संख्या, दो धनात्मक वास्तविक संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए आज सिखाऊंगा। ऐसे तो एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग सीख चुके हैं, बट मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कैसे हम दो धनात्मक संख्या का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले आज सारे संख्याओं से रूबरू हो जाएं, इसके बाद फिर हम वास्तविक संख्या पे आएंगे और आगे इस चैप्टर को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं और एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट अगर इसकी तुलना लीजिए और 11 12 13 इस तरह से हम लिखते हैं। सो इसी प्रकार आगे चलते रहेगा। इन सारी संख्याओं को हम लोग बोलते हैं क्या, नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर हम एक सीधी तरह से इसका परिभाषा देखें तो हम बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या को रियल नंबर ये प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए तो इस एग्जांपल जितना हम लिखे हैं इसमें आपको कुछ मिस वर्ड मिस नंबर दिख रहा है, कुछ मिस किया हुआ है इसमें नंबर, तो आप इसमें मिस देख रहे हैं क्या, 1 10 नहीं, एक संख्या 10 हम नहीं लिखे, 10 नहीं लिखे हैं। इसका अर्थ ये है कि 10 लिखने के लिए कुछ खास चीज़ का ज़रूरत होता है। 1 तो है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 नहीं है, 10 क्यों नहीं है। तो जिस समय नेचुरल नंबर का खोज किया गया था उस समय 0 का खोज नहीं हो पाया था, इसलिए नेचुरल नंबर एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं था। तो क्या हुआ, तो हमारे देश के महान वैज्ञानिक एक आर्यभट्ट, आप लोग नाम सुने होंगे, तो आर्यभट्ट ने क्या किया, तो 0 को खोज कर दिया। तो 0 का जैसे आविष्कार किया तो एक पूर्ण संख्या हो गई, तब दूसरा संख्या क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। तो पूर्ण संख्या जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और सारा प्राकृत संख्या दर लिखा जाएगा, 1 2 3 4 सो इसी तरह से। ये सारी संख्या आपका क्या हो गया, एक पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद अगर हम पूर्ण संख्या के बाद बात करें, एक पूर्णांक संख्या होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर, ये इंटीजर नंबर को आई से या जेड से सूचित करते हैं। अब इंटीजर नंबर क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या हम लोग देख रहे हैं कि 0 से स्टार्ट होकर के पॉजिटिव साइड चलते रहता है, लेकिन पूर्णांक संख्या जो होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्या होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। तब हम लोग पूर्णांक संख्या को दो नाम से जानेंगे,
धनात्मक पूर्णांक संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। आप संख्या रेखा से परिचित हैं, संख्या रेखा है, ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, जीरो के बाएं साइड जितना भी संख्या आती है सब नेगेटिव में आती है और दाया साइड जितना भी संख्या आएगा वो सब प्लस में आता है। ये अगर इस सारे संख्या को उठा करके हम एक सेट बना दें, एक सेट मतलब एक समूचे एक संग्रह कर ले सारे संख्या को उठा करके, तो ये सारे संख्या क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा। और पूर्णांक संख्या को आई या जेड से सूचित करते हैं, तो हम सारे नंबर को उठा करके लिख देते हैं, तो पहले जीरो लिखते हैं, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस चार, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से क्या होगा चलते रहेगा। इन सारे संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जीरो में ना तो हम प्लस लगाएं और ना ही माइनस लगाएं। इसका कारण ये है, क्या है बताइए, इसका कारण ये है कि जीरो इज नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव नंबर। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। जीरो का यदि किसी संख्या में जोड़ भी दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटा भी दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जीरो इज ए नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। समझ गए, चलिए अगर हम आपको टू के बारे में पूछें कि टू कैसी संख्या है, तो आप क्या बताइए कि टू एक प्राकृत संख्या। हाँ ये बात आपकी सही है, आप ये भी बताइएगा ना कि टू जो है एक पूर्ण संख्या है क्या। अब आपको ये भी बताना पड़ेगा टू जो है एक प्राकृत संख्या है और क्या पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर नंबर है। जैसे हम माइनस टू का बात करें तो माइनस टू के बारे में आप क्या बताइए, तो माइनस टू क्या है एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या मतलब देखिए तो पूर्णांक संख्या में देखे तो माइनस टू है, किसी में माइनस लगा हुआ नहीं लगा हुआ, तो हम टू को क्या बोल सकते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। समझ रहे हैं ना बात। चलिए चौथे नंबर का है तो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जिसको हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, क्यू से, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो आप लोग बचपन से ही याद करके आए हुए हैं कि सर पी वाई क्यू के रूप में जो रहती है संख्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, डेट इज राइट, सही है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि जिस संख्या का परफेक्ट रूप निकलता हो, जिस संख्या का परफेक्ट रूट निकलता हो तो वो भी संख्या आपकी क्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर हम 25 बोल दें आप इसको क्या बोलिएगा, रूट 25, तो रूट 25 भी क्या है एक परिमेय संख्या है, और इसका भी हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं, तो मतलब क्या ये भी एक परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में है और यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या आप लोग जानते हो कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखते हैं, क्यों क्यू को क्यों हम लोग जीरो के बराबर नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं जीरो लिखते हैं, तो आप लोग को बता दें यदि हम किसी संख्या को कोई भी नंबर को एनी नंबर कोई भी नंबर को यदि हम कोई भी एक्स वाई जेड नंबर है अगर हम उसको जीरो से डिवाइड करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। इसलिए हम लोग परिमेय संख्या की बात करेंगे तो वो क्या होगा, क्या होगा वो जो संख्या होगा, तो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब उसका नीचे हर जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हम लोग परिमेय संख्या का बात करें तो परिमेय संख्या जो है तो क्या होगा, परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जो पी बाई क्यू के रूप में होता रहता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और एक क्या इसका परफेक्ट
स्क्वायर रूट निकलता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, जैसे आपको 25 देते हैं, 9 देते हैं ना, ये सब कैसे संख्या प्लस माइनस 5 देते हैं, 5 बटे 9 देते हैं, कुछ भी लिख दें, ये सारी संख्या 1/2 लिख दें, 3 लिख दें, 0 लिख दें, 5 लिख दें, ये सब सारी संख्या क्या है, माइनस 5 लिख दें, ये सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। बात समझ में आ गया। एक आप लोग का फिर से टेस्ट ले रहे हैं, अगर हम पूछे कि 5 कैसे संख्या, तो 5 इज ए नेचुरल नंबर, 5 इज ए होल नंबर, 5 इज ए रेशनल नंबर, ये 5 के बारे में आप क्या सीख गए, 5 इज ए इंटीजर नंबर, ये 4, 5, अब सिर्फ अब 5 के बारे में पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि 5 जो है अब प्राकृत संख्या भी है और क्या पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है और परिमेय भी संख्या है। परिमेय संख्या मतलब 5 को हम लोग लिख सकते हैं ना 5/1, तो ये भी तो आ गया ना p/2 के रूप में, और q≠0, q 0 के बराबर नहीं है, तो आराम से हम लोग लिख सकते हैं 5 को क्या बोल सकते हैं परिमेय संख्या। आइए इसके बारे अब हम लोग देखते हैं आगे वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं हाँ, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए कि आप 2.33... इसी तरह से 3, 4, 5, 6, 7, 9 इसी तरह से चलते रहेगा, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोल सकते, ऐसे संख्या को हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और हम क्या लिख सकते हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, .. सो ये सभी संख्या आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हैं आप लोग, तो इन सारे संख्या के बारे में आप समझ गए। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या 0 को शामिल गिनती की संख्या में, यानी जी प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देने से बनी संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे, और इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या में प्लस माइनस चिन्ह लगा देने से, यानी प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, पूर्ण संख्या में प्लस माइनस का चिन्ह लगा देने से बनी संख्या हम क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं। और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में रहे और q≠0, मतलब q कभी 0 नहीं रहे, q कभी 0 के बराबर नहीं हो, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या बोलेंगे। और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, मतलब जो p/q के रूप में तो नहीं लिख सकते, बट और इसके कंडीशन क्या है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट भी नहीं निकलता हो, वर्गमूल इसका नहीं निकलता हो, तो ऐसी सारी संख्या को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो आप लोग लिख लिए होंगे इतना, अब देखिए आगे। अब इस सारे संख्या को अगर हम देखें तो एक शॉर्ट परिभाषा हम इसका लिख रहे हैं, मतलब शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा सिर्फ, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर के सेट, सेट मतलब होता है कोई चीज़ को संग्रह करके इकट्ठा करके जिसमें रखते हैं उसी को सेट बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो एन क्या है, किसका सेट है, ये प्राकृत संख्याओं का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है हाँ, तो ये हो गया आपका नेचुरल। अब देखिए तो जितना हम आपको लिखा है, जितना बात हम आपको बताएं मिलाइएगा, क्या सारा नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है और 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ तक हम गिन सकते हैं वो सारे संख्या को नेचुरल नंबर,
और हॉल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, तो वो जीरो से लेकर के एक दो तीन चार, मतलब जीरो को शामिल करने से क्या प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो वास्तविक में हम लोग ने सारे नेचुरल नंबर को पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। पूर्ण संख्या को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होती है, और जीरो से जब स्टार्ट होगी तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक, तो हम क्या बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर इज ए ऑल नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं सभी प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या। आप सोचिएगा सर आप ए बीच में क्या दे दिए, आप समझिए इस बीच में जो ये टेबल दे दिए, अब 11th में आप सर इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या चीज का है, अभी बोलते थे इसको हम लोग सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। सबसेट बोलने का अर्थ ये हुआ, सबसेट बोलने का अर्थ ये हुआ जितना भी नंबर एन में है, जैसे देखो ए बराबर हम ले लिए क्या, एक दो तीन चार, हाँ, और b बराबर एक सेट ले लिए कितना, तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये सारा ले लिए, सात ले लिए, ठीक। तो जितना भी a का नंबर है, a का जितना भी एलिमेंट है, मतलब तो जितना भी नंबर है वो सारा b में आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ बोलो, अगर आ रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए सेट है, ए सबसेट है, ए सबसेट है किसका, बी का, मतलब ए का सारा एलिमेंट किसमें है, बी में। वही पर हम यहाँ बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर में जितना भी नंबर आएगा, जितना भी अंक आएगा, जितना भी डिजिट आएगा, जो भी बोलिए वो सारा पूर्ण संख्या में होगा कि नहीं होगा, होगा तो वो क्या होगा, सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल सकते। अच्छा देखिए, सारा पूर्ण संख्या को, सभी पूर्ण संख्या को क्या पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं, बहुत बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। क्यों, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जीरो प्लस माइनस एक प्लस माइनस दो, नेगेटिव को छोड़ देंगे पॉजिटिव को लेंगे तो सारा पॉजिटिव जीरो के बाद जितना भी पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, सारे पूर्ण संख्या को इंटीजर नंबर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए तो सभी सभी क्या, सभी इंटीजर नंबर को, जितना भी इंटीजर नंबर आपके पास है पूर्णांक संख्या है, सारे पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं, जैसे माइनस पाँच, माइनस पाँच क्या, माइनस पाँच परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, ये पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हम ऐसा कभी नहीं बोले हैं कि पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे और पी पॉजिटिव रहेगा और क्यू भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का कभी चर्चा नहीं हुई है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम सारे होल नंबर को, ये सभी इंटीजर नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर बोल सकते हैं। अब बात देखिए कि सारे होल नंबर इंटीजर नंबर बोल सकते हैं क्या, सारे इंटीजर नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं क्या, नहीं, ये कभी नहीं होगा। इस क्यों नहीं होगा, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3 स्टार्ट होते हैं, इंटीजर नंबर कौन से स्टार्ट होती है, तो 0, ±1, ±2, ±3, तो सारे नेगेटिव नंबर तो बचा हुआ रह जाएगा, इसलिए सभी नेगेटिव नंबर को हम लोग होल नंबर नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसलिए तो सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगा, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या कहलाएगा। इतना समझ लीजिए। अब देखिए और हम अभी परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या क्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, जितना भी पूर्णांक संख्या वो सभी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, जैसे प्लस माइनस दो प्लस माइनस तीन सब के बटे में एक देते चले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या। अब से लिए जीरो के बारे में आप क्या बोल सकते हैं, जीरो कैसा नंबर है, अब आप सीख चुके हैं कि जीरो इज ए होल नंबर, जीरो क्या है, जीरो एक पूर्ण संख्या, और क्या सीख,
जीरो इज ए इंटीजर नंबर, क्या सीखे? जीरो एक पूर्णांक संख्या है, क्या ये सीखे कि जीरो एक नन निगेटिव नन पॉजिटिव नंबर है, ना ही ये ना ही धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो एक एक बात को याद रखना, अगर हम कौन से बारे में बोले तो आप बोल सकते ऐसा जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो परिमेय संख्या हो सकता? अफकोर्स हो सकता, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जीरो को ये हम नीचे वाले पार्ट को जीरो नहीं बोले कि जीरो नीचे वाला पार्ट कभी जीरो नहीं होगा, ऊपर तो हो सकता, इसलिए हम जीरो को भी पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जीरो इज ए रेशनल नंबर, समझ रहे हैं ना? मजा आ जाएगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए और अपने सारे दोस्त को भी बोलिए जुड़ने के लिए। आप लोग इतना विश्वास कीजिए कि मैं आप सभी को जो कोचिंग का नाम है उसके अनुसार आप लोग को टैलेंट बना देंगे, टैलेंट बनाने के लिए टैलेंट नाम रखते हैं। हाँ, चलिए सीखिए, इसके बाद फिर बात बहुत सारी करनी है आप लोग से, पहले कुछ पढ़ लिया जाए, इतना बात समझ गए ना? अब देखिए ये इस लाइन को अगर आप समझ गए तो बहुत सुंदर वाली बात, या सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर, सारे होल नंबर को इंटीजर नंबर और सारे इंटीजर नंबर को रेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए, अब आइए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी तो आपको बताएं किस क्या जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर बोलेंगे। जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक? ऐसे लिखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बोल रहे हैं आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। तो सारे इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर को हम लोग बोल सकते हैं क्या? इरेशनल नंबर के बारे में बता रहे थे ना, हाँ। तो इस इरेशनल नंबर क्या था कि पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता हो तभी ये इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऐसे ये कहलाएगी क्या नहीं कहलाएगी, वो क्या कहला जाएगी? या तो इस सभी में से कोई संख्या एक नाम आ जाएगा उसका। चलिए अब हम मेरा टॉपिक है क्या? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को अब हम लोग धीरे धीरे किसकी ओर चलते हैं? वास्तविक संख्या की ओर चलते हैं। तो देखिए, तो वास्तविक संख्या को अगर हम लोग डिनोट करें तो वास्तविक संख्या से तो हम लोग आर से डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। और इसका इसमें तो सारा संख्या आएगा, कैसे सब संख्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक। अब बोलिएगा सर ये इंफिनिटी कौन से आप लाते हैं? मतलब इंफिनिटी का मतलब ये हुआ कि आप जहां तक जा सकते जितना आप नंबर को खोज सकते खोज लीजिए, ठीक? जहां तक आपको जा पहुंचना है पहुंचिए, लाख करोड़ अरब खरब जहां तक पहुंचना पहुंच वो सारा क्या कहलाएगा? चाहे वो निगेटिव में हो या चाहे पॉजिटिव में, वो सारा क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। टेंथ तक तो रियल नंबर के, एक संख्या और आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ उसके बारे में हम लोग 11th में अगली कक्षा में बात करेंगे, अभी यहाँ तक रहने देते हैं। मतलब रियल नंबर तक ही आप लोग समझिए, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो रियल नंबर देखिए तो क्या है? तो रियल नंबर जो है कैसा सेट है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। आप बोलिएगा सर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में क्या आएगा? मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को सेट को, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो संख्या जो सेट बनेगी, जिस संख्या का सेट बनेगी उसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वास्तविक संख्या रियल नंबर बोलेंगे। बात समझे एक बार फिर से? मतलब अभी हम लोग परिमेय और अपरिमेय का चर्चा कर लिए, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को अगर मिला करके जो भी सेट बनाएंगे वो सेट क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर कहलाएगा, मतलब वास्तविक संख्या कहलाएगा। और वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। अब देखिएगा ये जो हम ब्रैकेट दिए, अभी आप पूछेंगे इस ब्रैकेट का क्या नाम है, तो बोलिएगा छोटी ब्रैकेट ना। आपका बोलना भी सही है, जो आप पढ़े वो तो बोलिएगा,
लेकिन अब हम इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इंटरवल के रूप में, लेकिन आप कक्षा 10 में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे 11th में इंटरवल के रूप में कि इंटरवल कितने प्रकार के होती है। हाँ, तो ये अभी आप समझिए इसका मतलब होता है, ये ओपन इंटरवल है, हम तो छोटी ब्रैकेट तो है ही, मतलब इसका अर्थ होता है, ये इंटरवल का अर्थ होता है कि जो भी संख्या होगा उसको छोड़ देंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी को भी छोड़ देना है, प्लस इन्फिनिटी को भी छोड़ देना, और इसके बीच में जितना भी नंबर आएगा वो सारा नंबर आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। जैसे हम आपको अब बोलिए सर 0.00001 है कि नहीं है, ये भी क्या है, एक रियल नंबर है। यदि कोई पूछ दे एग्जाम में ही पूछ दे कि बताइए कि दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, जैसे आपको बोलता है ना कि परिमेय संख्या के बीच में, दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय हो सकता है ना, या फिर हम बोलेंगे तीन प्राकृत संख्या के बीच में कितने प्राकृत संख्या है, तो कोई भी प्रथम से तीन प्राकृत संख्या उठाएंगे उसके बीच में जो भी संख्या होगा तो उसके बारे में बता दें। लेकिन हम आपको पूछे कि आपको बताइए कि दो परिमेय संख्या में तो आप लोग निकाले ही होंगे कि दो परिमेय इसके बीच में कितने परिमेय संख्या है, तो आप लोग निकाल लिए। अब हम आपसे पूछें उसी प्रकार से कि आपको बताना है कि दो वास्तविक संख्या मतलब दो रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं, तो भैया कभी भी आप दो रियल नंबर के बीच में अगर निकालने जाइएगा तो निकालते निकालते आपका बुढ़ापा आ जाएगा, तब पर भी संख्या खत्म नहीं होने वाली है, बात समझ रहे हैं ना। ऐसे देखिए अगर हम पूछें कि एक और दो के बीच में कितने परिमेय ये कितने रियल नंबर कितने वास्तविक संख्या हो सकती है, तो देखिए आप बोलिएगा सर हम 1.1 लेंगे, ठीक, कोई बोलेगा सर 1.01 लेंगे, कोई बोलेगा 1.11100001 लेंगे, कोई बोलेगा 0000000 कितना लेंगे, कोई बोलेगा 0.00000000, मतलब इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि हम इसके दो संख्या के बीच में कभी भी संख्या को समाप्त नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो कितना होगा, इन्फिनिटिव संख्या होगी दो रियल नंबर के बीच में, समझ रहे होंगे मेरी बात को आप लोग, उम्मीद है इतना धीरे से इतना अच्छा से प्यार से समझाएंगे तो समझिएगा। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए, और क्या जिंदगी में तो यही सब है, हंसना और हंसाना। तो आप लोग समझ गए रियल नंबर के बारे में, तो रियल नंबर क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सेट को मतलब संग्रह को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। कोई दिक्कत कोई कठिनाई, अभी तो टाइम है तो आप लोग को बता देते हैं आज से एक सवाल कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके दो प्राकृत संख्या का सॉरी दो वास्तविक संख्या का एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, और एग्जाम में ये भी आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या चीज फाइंड करने में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो आपको क्या बताना हमेशा HCF निकाल लेंगे, क्या बोलिएगा HCF निकाल लेंगे। मिटा देते हैं, चलिए चलिए अब आप लोग को HCF के बारे में समझाना है, वास्तविक रियल नंबर के बारे में तो समझ गए, अब HCF तो HCF को हिंदी में बोलते हैं क्या बोलते हैं भैया, महत्तम संवर्धन, ये ना बोलते थे, ये बोलते हैं महत्तम संवर्धन, और इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं HCF। हाईएस्ट मतलब क्या, महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा,
कॉमन मतलब क्या है, जो दोनों में दो संख्या, जो बात बोल रहे ना कि दो संख्या लेंगे, जो दोनों संख्या में मिलेगा उसी से हमको क्या करना, कॉमन करना। और फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या, गुणनखंड करके, दोनों संख्या को हम लोग पढ़े गुणनखंड करके। आप बचपन में क्या पढ़े, गुणनखंड करके एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ये लेमिना का जो बोलिए उसका प्रयोग करके, थ्योरम का प्रयोग करके हम इसको क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे हम अगर हम पूछें कि 124 का गुणनखंड कीजिए, हाँ फैक्टर कीजिए, आप पहले 2 से करते हैं, तो 2 से करने के बाद ये कितना जाएगा 62, फिर 2 से करेंगे कितना जाएगा 31, अब होगा क्या, नहीं 31 उनजा 31, 31 को 31 कटाएंगे एक बार में तो कट जाएगा। अब देखिए तो 124 को हम भाग गुणनखंड करेंगे, हम क्या किए, आप उस समय नहीं बताया गया था और ये बात हमें बता रहे हैं, और ये सिर्फ टेंथ के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए भी है, इसलिए बात समझिएगा कि कैसे कैसे अगर वहाँ पूछ देता है कि 124 में कितने अभाग गुणनखंड है, तो अभाग गुणनखंड मतलब अभाग गुणनखंड की संख्या, तो 1, 2, 3 अभाग गुणनखंड है। अब पूछेगा कितने अभाग नंबर है, तो 1 और 2 नंबर है, इस सब बात को ध्यान देना। तो 2 × 2 × 31 × 1 मतलब 2^2 × 31 × 1 ना, तो ये क्या हो गया, हम लोग क्या किए इसका फैक्टर कर दिए। अब देखिए तो एक संख्या ये हो गया, दूसरा भी संख्या तो लीजिएगा, मान लीजिए दूसरा संख्या 24 है, अब 24 का हम भाग गुणनखंड करेंगे 2 से, तो कितना 12 2 से करेंगे कितना 6 2 से करेंगे कितना बोलो 3, और फिर 3 से करेंगे 1, तो इसको हम 24 को लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2 × 3 × 1 मतलब 2^3 × 1। अब देखते तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में से देखिए तो दोनों संख्या का हम लोग क्या किए गुणनखंड किए ना, तो दोनों का जब गुणनखंड किए तो दोनों में देखिए तो क्या कॉमन हो रहा है, तो 2^3 2^2 और 2^3 ये दोनों कॉमन हो रहा है, हो रहा है। अभी बेसिक चीज बता रहे हैं, फिर हम लोग यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का प्रयोग करके बताएंगे, ये समझ जाइएगा, उसको समझना बहुत ही आसान होगा। तो देखिए तो अब इसका अगर हम एचसीएफ पूछें कि बोलो कि 124 हाँ दिख रहा है ना, और कितना 24 का एचसीएफ, तो आप जो जो मिल रहा है क्या करना उसमें लेना है, और जो सबसे छोटा पावर है उसको लेना है, मतलब कितना 2^2 2^2 का मतलब कितना अच्छा। लेकिन आप बोलिएगा कि सर अभी तो आप बोले कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या, जो सबसे बड़ा होगा ना, 2^3 है, इसको क्यों ना ले लिए जो 2^2 लिए। अरे भैया हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम बोले 124 और 24 दो नंबर है, अब इस दो नंबर का सबसे बड़ा से बड़ा संख्या खोजो, सबसे बड़ा से बड़ा संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढो कि जो दोनों संख्या को क्या कर दे, क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो आप क्या बोलिएगा, सर 8 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, कटा इसको कटाएंगे 8 से कटेगा, देखो तो अब कटा करके देखो 8 × 16 नहीं कटे, 8 × 1 = 8 तो कितना 8 × 4 = 12 फिर, और फिर ये कितना हो गया, एक बार में कटाएं 8 × 5 = 40 फिर कितना 4, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 8 कभी हो सकता नहीं, इसका एचसीएफ कितना होगा 4। इसका कहने का मतलब ये दोनों संख्या 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से कटेगा, 4 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिएगा दोनों के बीच में, तो दोनों संख्या को नहीं डिवाइड करेगा, दोनों संख्या को विभाजित नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा, जो कि 4 से बड़ा बड़ा नंबर होगा, कुछ भी लेके देखो 8 लेगा नहीं कटेगा, 16 लेगा तो और नहीं कटेगा, तब तो और नहीं कटेगा, 6 लेगा तो 1 कटेगा 1 नहीं कटेगा। तो 4 वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों संख्या को क्या कर सकती है, विभाजित कर सकती है। बात समझ में आया,
HCF, LCM, HCF आपको समझ में आया HCF क्या होता है? मतलब हम लोग कोई भी दो वास्तविक संख्या पॉजिटिव पॉजिटिव रियल नंबर को उठाते हैं और उसमें से कॉमन करके वैसी संख्या निकाल लेते हैं, वैसी बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेते हैं जो कि दी गई संख्याओं को विभाजित करती है, और उसे कोई भी बड़ा संख्या नहीं है जो कि उस संख्या को विभाजित कर सकता है। समझ रहे हैं ना? चलिए अब आइए, मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि जरूर है कि आप सभी को टैलेंट बना के भेजूंगा, विश्वास कर लो एक बार। चलो देखो, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके चलो एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं एग्जाम्पल, प्रयोग करके 480 और 75 का HCF ज्ञात करें। और जिन सभी का छूट गया था तो आप सभी यहाँ से मेकअप कर लेंगे, देख लेंगे वीडियो को, इसके बाद समझ जाएंगे जो भी नया स्टूडेंट है, ठीक। जिसका छूट गया उसके लिए खास करके ये वीडियो बना रहे तो वो अपना मेकअप कर लेंगे। चलिए तो हम लोग क्या देखते हैं अब, यूक्लिड विभाजन, ये विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम 480 और कितना 75 का HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसका जितना इंट्रोडक्शन था दे दिया, अब हम लोग हाँ चलिए इसको बताने से पहले अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बता दें कि भैया इसका क्या कहना था। इसका भी वही कहना है। अब जैसे देखिए कि ऐसे अब इस तरह से हम भाग विधि से बनाते थे ना, भाग विधि से कि दो संख्या दिया इसको इससे भाग, इसको इससे भाग कर, इसके बाद फिर हम लोग जब तक शेषफल जीरो नहीं आता था तब तक हम लोग रुकते नहीं, तो भाग विधि। तो उसका यही कहना भाग विधि से, लेकिन इसको एक सजावट, ये क्या किया उसको सजा दिया। तो किस रूप में सजाया देखिए, अगर हम 87 को 17 से भाग करने बोले तो आप क्या कीजिएगा, तो 17 बचे 50 कटा दीजिएगा माइनस, कितना रिमाइंडर बचा, दो बचा। ये क्या हो गया रिमाइंडर कहलाया ना, ये कोसेंट मतलब भागफल कहलाया, और ये तो दो संख्या आपको दिया हुआ था इसको ए और इसको बी मान लिया। तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस क्या शेषफल, एन करते थे जब हम लोग भाग देते थे और संख्या को देखते थे कि मेरा संख्या पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा, तो संख्या को पुराने के लिए क्या करते थे, तो भाजक और भागफल को गुणा करते थे और शेषफल को जोड़ देते थे, मेरा भाज के बराबर हो जाता था कि नहीं बोलो रे, हाँ हो जाता। तब देखे तो भाज को हम क्या बोले, ए बोले, भाजक को क्या बोले तो बी बोले ना, भागफल को क्या बोले क्यू बोले, और शेषफल को क्या बोले आर बोले। यही जो है क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी के माध्यम, यही सूत्र के माध्यम से जितना भी हम लोग बनाएंगे इसी के सूत्र के माध्यम से बनाएंगे। अब समझा, समझ गया होगा। अब चलो देखो, अगर हम शेषफल की बात करें,
शेषफल का बात करें तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। अगर यहाँ से हम बोलें कि शेषफल बताओ इसका क्या क्या बच सकता है, जैसे देखो जब पढ़ रहा है तो आराम से पढ़ो, चाहे जितना भी टाइम लगे इसके लिए टेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ो आराम से पढ़ो। हमको देखिए आप टाइम अगर बचता है तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो अगले क्लास में, तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। जैसे हम आपको बता दें कि 6 भाग 15 तो 6 × 12 माइनस कितना हुआ 3। आप देख सकते हैं कि शेषफल मतलब आर यहाँ पर क्या क्या मान सकता है, यह तो वो 0 आ सकता है, यह तो कितना आ सकता है 1 आ सकता है, यह तो 2 आ सकता है, यह तो 3 आएगा, यह तो 4 आएगा, यह तो 5 आएगा, यह तो 6 आएगा। क्या 6 आएगा? 6 नहीं आएगा। अगर 6 आता तो 6 × 6 भाग लगे जाएगा, इसलिए इसका जो शेषफल जो होगा, इसका जो शेषफल होगा वो आपका जो भाज्य है, सॉरी भाजक जो है वो हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो आर को हम लोग लिखेंगे कि आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन पढ़ेंगे। 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, इसको आप क्या पढ़ देंगे, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ना, बड़ा या बराबर, 0 के बड़ा या बराबर, और वो किससे, कौन आर, और वो किससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा, बी से छोटा होगा, जिससे हम क्या कर रहे हैं भाग लगा रहे हैं, इससे वो छोटा होगा, बराबर होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। हाँ तो चलिए तो समझ गए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो कहना है तो उसका सूत्र जो है, उसका सूत्र यही हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कि ए बराबर बी क्यू, क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर। हाँ और डेट इज जहाँ, जहाँ अर्थात ए और यहाँ आर जो होगा, आर जो होगा वो 0 से बड़ा है, क्या होगा, बराबर होगा, और बी से हमेशा ऑलवेज छोटा होगा, लेस देन होगा, होगा। तो आज के लिए इतना ही, टाइम हो गया बहुत, तो द एंड। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, थैंक यू।